हे गाइस, आज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि घर में ही हम लाइव कास्टिंग कैसे की जाती है। इसके लिए हमें लगेगा थोड़ा सा गेहूँ का आटा। यहाँ मैंने एक वाटी गेहूँ का आटा लिया हुआ है। फिर हमें लगेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे व्हाइट सीमेंट भी कहते हैं, और ये इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। यहाँ मैंने हमारी नियर बाय शॉप से ही इसे लाया हुआ है। करीब 20 रुपीज़ का 1 kg मिला हुआ है। फिर यहाँ हमने लिया थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा ऑयल। चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे गेहूं का आटा, जिसे हम जैसे हम आटा गूंथते हैं चपाती के लिए, वैसे ही हमको आटा गूंदना है यहाँ पे। इसमें मैं अब डालूँगी थोड़ा सा तेल, सो दैट वो जो डो है वो थोड़ा अच्छे से डो सॉफ्ट बन जाए। और फिर मैं डालूँगी इसे पानी, और हम इसे रेगुलर प्रोसेस जैसे हम आटा गूंथते हैं वैसे हम इसका डो बनाएंगे। अभी अच्छे से सॉफ्ट डो बन गया है, और हमको इसे इतना ही सॉफ्ट रखना है सो दैट इसमें जब हम फुटप्रिंट ले तो वो अच्छे से आ जाए। अब हम इसका बनाएंगे दो अलग अलग पार्ट्स, या फिर जितने भी फुटप्रिंट्स या हैंड प्रिंट्स आप लेना चाहते हैं आप उतने पार्ट्स बना सकते हैं इसको। ये मैंने अभी मेरे बेबी का हैंड का प्रिंट लिया हुआ है। इसके अंदर मैंने दो पार्ट किए हैं, एक में मैं लूँगी हैंड का प्रिंट और एक में लूँगी फुट का प्रिंट। तो ये हैंड का मैंने ले लिया है, यहाँ पे इस तरीके से ये आना चाहिए। और अब मैं लूँगी इसके पैर का फुट प्रिंट लूँगी मैं इसका मेरे बेबी के। हल्के से दबाइए, बेबी के पैर बहुत सॉफ्ट है तो इसे थोड़ा आराम आराम से ही मैं कर रही हूँ। और ये देखिए ये अभी आ गया है। अब मैंने यहाँ पे POP लिया है, इसमें मैंने पानी मिलाकर इसकी इस तरीके से पेस्ट बनाई है, और हमें इस पेस्ट को हमारी जो फुटप्रिंट हमने ली है उसके अंदर हमको इसे फिलअप करना है। हमने जो फुटप्रिंट ली थी उसके अंदर मैंने उसको बाउंड्री बना दी है आटे से, सो दैट वो प्रॉपर एक प्लेट जैसा शेप ले ले, इसलिए हमने इसको बाउंड्री लगा दी है। और अभी हमको इसको पूरा फिलअप करके इसे ड्राई करने के लिए रखना है। ये जल्दी ड्राई हो जाता है, लेकिन आप चेक करते रहिए, जब ये पूरा सूख जाए पूरा कड़क हो जाए तभी आप इसे अगले स्टेप के लिए ले लीजिए। तो देखिए इस तरीके से ये हमारा बन गया है, और ये मैंने पूरा पेस्ट डाल के इसे रेडी कर दिया हुआ है। अब ये मैंने जो फिलअप किया हुआ था ये भी पूरी तरह से सूख गया है। हाथ वाला जो लिया था, हैंड का प्रिंट लिया था, वो मेरा थोड़ा सा फेल हो गया था, वो मैंने निकालते समय वो टूट गया था, इसलिए मैंने हाथ का जो है वो बाद में मैंने नहीं प्रोसीड किया, उसे मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। लेकिन जो फुट का प्रिंट जो लिया था वो पूरी तरह से सूख गया है। अब हम इसे इस आटे से बाहर निकालेंगे, और हमें इसे पहले हमने जो बाउंड्री लगाई थी उसे मैं निकाल रही हूँ यहाँ पर। फिर हम ये जो आटा है जो नीचे है जहाँ पे हमने प्रिंट लिए थे, वो आटे को हमको धीरे धीरे हल्के हाथ से निकालना है। और इसे बहुत ही आसान, ये बहुत ही आसान है, लेकिन हमें इसे बहुत ही आराम आराम से करना है क्योंकि ये टूट सकता है, क्योंकि POP बहुत ही नाजुक होता है, तो इसीलिए ये टूट सकता है, इसलिए इसे थोड़ा सा हल्के हाथ से निकालिए। अब हमें इसे कलर करना है सो दैट ये बहुत ही ब्यूटीफुल दिखे और अट्रैक्टिव दिखे। तो मैंने यहाँ पे गोल्डन कलर का स्प्रे पेंट यूज़ किया हुआ है, इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है। और यहाँ पे एक्रेलिक पेंट मैंने यूज़ नहीं किया है क्योंकि वो POP के लिए सूटेबल नहीं होता है, तो यहाँ पे एक्रेलिक की जगह पर मैंने स्प्रे पेंट लिया है। ये बहुत ही क्विकली ड्राई हो जाता है और बहुत अट्रैक्टिव भी दिखता है, और ये मल्टीपल कलर्स में भी मिलते हैं, तो मैंने यहाँ पर गोल्डन कलर सिलेक्ट किया है।
आपको जो चाहिए वो कलर आप ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने हमारे बेबी का जो फुटप्रिंट है वो अभी हमेशा के लिए प्रिजर्व करके रख दिया है, और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है।